हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम अंजलिस फूड एंड ट्रैवल वर्ल्ड। तो गाइस, आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नए मेले में, यानी कि एक नए फेयर में, जो कि कोलकाता में काफ़ी दिन तक रहने वाला है। और आप लोग जल्द से जल्द प्लान बनाओ और इस मेले में आओ। पर ये मेला है कहाँ पे? और ये इतना अच्छा भेलपूड़ी चाट वाले भैया, और ये इतना सारा खाना जहाँ पे नॉन वेज वेज सारे फूड्स आपको दिख रहे, इतनी कचाकच भीड़, गाइज ये कौन सी जगह है? अगर आप ये सारी चीज़ें देख के कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो चलो बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आ चुकी हूँ बुक फेयर में, जो कोलकाता में हो रहा है, करुणामयी एरिया में। तो गाइज आपको सारी डिटेल बताऊँगी यहाँ पे आप कैसे आ सकते हो। करुणामयी सॉल्ट लेक में है, तो कैसे यहाँ पे आप आओगे, क्या कर सकते हो, यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, सारी बुक्स, जितने सारे स्टोर्स है गाइज, मैं उसको कवर भी नहीं कर पाऊँगी। इट्स इम्पॉसिबल लिटरली कि मैं कवर करूँ, बट यहाँ पे हर तरह का बुक्स वगैरह सब कुछ मिलता है, तो मैं जितनी हद तक शेयर कर पाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट करना इस वीडियो में एंड बने रहना मेरे इस वीडियो में एंड। तो गाइज़ ये जो बुक फेयर है, ये है लोकेटेड, आप आ सकते हो करुणामयी में। करुणामयी का बहुत बड़ा ग्राउंड है, ये आपको कोई भी बता देगा, सॉल्ट लेक सिटी सेंटर से होते हुए या सिटी सेंटर वन वाले रूट से अगर आ रहे हो तो करुणामयी ये जगह आपको सब बता देंगे, बहुत ही फेमस है। तो जैसे ही आप करुणामयी में आओगे तो एंट्री फ्री है यहाँ पे, सबसे अच्छी बात है, कोई भी यहाँ पे आ सकता है मेला घूमने के लिए। एंड ये वन ऑफ द बेस्ट एंड बड़ा मेला आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये है बुक फेयर फुल ऑफ नॉलेज। यस गाइस, जिसको बुक लवर्स हैं, जिनको बुक्स पढ़ना पसंद है, बुक पढ़ने से उन्हें शांति मिलती है, या फिर बच्चे, बूढ़े, कोई भी एज ग्रुप यहाँ पे आ सकता है बुक्स पढ़ने के लिए। ये काफ़ी बड़े ग्राउंड में बनाया गया है, करुणामयी ग्राउंड जो है क्रॉसिंग पे, इतना ज़्यादा बड़ा ग्राउंड है, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लेके आना है अगर आप ये सब जगह पे आते हो घूमने के लिए, तो मेक श्योर आप हाथ में अच्छे से टाइम लेके आइए। बिकॉज़ ये देखिए, गिल्ड हाउस करके कोलकाता बुक फेयर इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पे छोटे छोटे मिनिएचर स्टोर्स बनाए गए हैं, छोटे स्टोर्स भी आपको दिखेंगे, बड़े स्टोर्स भी दिखेंगे, ओपन स्टोर भी दिखेगा आपको बुक सेल करते हुए, अलग अलग राइटर्स ऑथर्स, काफ़ी नामी और काफ़ी बड़े लेवल पे जो भी आपके राइटर्स हैं, जो भी बहुत अच्छे फेमस हैं, नॉन फेमस, या जो अभी जस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं इस लाइन में अच्छा बनने के लिए, देखिए मिया मोर भी आपको दिख जाएगा, तो ऐसे राइटर्स भी आपको मिलेंगे। सो गाइज, अगर आप ये सब नहीं जानते थे कि कलकत्ता में करुणामयी में ये इतना बड़ा बुक फेयर लगा हुआ है, तो प्लीज़ टाइम निकालिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, बच्चों के साथ ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पे आपको आकर बहुत सारी नॉलेज गेन करने को मिल सकती है। जब आप यहाँ पे इतनी वैरायटी ऑफ बुक देखिए, फैमिली बुक शॉप, ऐसे भी स्टोर्स हैं जहाँ पे पूरे फैमिली के दिमाग में रखकर शॉप में जो उनके बुक कलेक्शन है वो रखे गए हैं, मतलब आप चाहे जो भी बुक फिक्शन पसंद करते हो, हॉरर पसंद करते हो, एस्ट्रोलॉजी पे पसंद करते हो, या फिर आपको पोइट्री एंड स्टोरीज़ का शौक है, तो आपको हर चीज़ यहाँ मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे आसपास बहुत क्राउड है, बहुत क्राउड है, और इतना भीड़ में शायद आपको मेरा आवाज़ क्लियर नहीं आए, बट मैं आपको जितना हो सकता है आई ट्राई टू शेयर सारी डिटेल। तो बने रहिएगा पूरा मेरे वीडियो में, कॉपीराइट की वजह से ज़्यादा वीडियो में आपको फेस नहीं दिखा पाऊंगी, बिकॉज मुझे आपको बैक कैमरा से सारी डिटेल देनी है, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहना मेरे पूरे वीडियो में एंड अच्छे से पूरा वीडियो देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव। तो गाइज अभी दिख रहा है, यहाँ जो हम लोग पार्क में हैं, मतलब बुक फेयर में, ये देखिए आपको सामने से मेट्रो रेल दिख रहा होगा, ऊपर से जा रहा है मेट्रो रेल, और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है गाइज, बहुत ही अच्छा, एकदम जूम करके मैं आपको अपने कैमरा में जितना दिखा सकती हूँ दिखा रही हूँ। तो यहाँ खड़े खड़े आप देख सकते हो मेट्रो आ रहा है जा रहा है, ये देखिए शोमिल भी एकदम कन्फ्यूज्ड है, वो कौन से स्टोर में घुसे, मतलब यहाँ पे इतना स्टोर है ना गाइज, इतना कि आप लिटरली दो तीन बार यहाँ पे आओगे, या फिर एक ही दिन आओ लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आओ, तो ही आप इसका कलेक्शन, मतलब तब भी कुछ देख पाओगे। मैं ये भी तो नहीं बोल सकती कि पूरा कलेक्शन ख़त्म हो जाए, नहीं हो पाएगा, बिकॉज इतना स्टोर्स है, ऐसा होगा ही कि आपके कुछ में घुस पाए कुछ में नहीं घुस पाए, बिकॉज इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि एक इंसान ये एक दिन में पूरा कवर कर ले। और जो आपको चॉइसेस ऑफ बुक्स चाहिए वो आपको टाइम देना पड़ेगा, और यहाँ पे क्योंकि हम लोग यहाँ पे जिस दिन आए थे वहाँ पे उस दिन बहुत क्राउड था, आई थिंक हम 26 रिपब्लिक डे को आए थे, तो उस दिन इतना ज़्यादा क्राउड हमें मिला फ्राइडे के दिन, आप सोच सकते हैं, क्योंकि उस दिन छुट्टी था, शायद अभी आप दूसरे दिन पे आओगे, वीकडेज में आओगे तो आपको क्राउड कम मिलेगा, बट 26 वॉज अ ह्यूज रश। तो ये देखिए गाइज़,
मैं आ चुकी हूँ ये फूड जो कोर्ट है वो सेक्शन पे। यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे, अलग अलग डेलिकेसीज, अलग अलग फूड है जो हमारे कोलकाता का स्पेशलिटी है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। पकौड़ा वगैरह, चिकन पकौड़ा, कबाब्स, एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिलेगा। खाने पीने की पूरी सुविधा दी हुई है, जहाँ पे आप आओ, टाइम स्पेंड करो, इन्जॉय करो और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, बच्चों के साथ एक बहुत ही अच्छा टाइम भी स्पेंड कर पाओ। यहाँ पे हर चीज़ का ध्यान दिया गया है। यहाँ पे आपको लोग मिलेंगे काफ़ी सारे, जो काफ़ी सारे बुक लवर्स हैं। ये मेला उन लोगों के लिए है स्पेशली जो अलग अलग राइटर्स या ऑथर्स की बुक पढ़ना पसंद करते हैं, एंड जो इसके अंदर ये एक नैक है कि मुझे अलग अलग बुक्स पढ़ते रहना है। जैसे बहुत लोग आजकल ऑनलाइन बुक, ई बुक्स वगैरह में हैं, जैसे मैं उस तरह के इंसान हूँ जिसे ई बुक वगैरह पढ़ना ज़्यादा पसंद है। मैं ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ती इन जनरल, बट हाँ मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ, क्योंकि मेरा मैक्सिमम टाइम लैपटॉप और मोबाइल पे ही जाता है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो मुझे रीड करनी होती है वो मैं ऑनलाइन ही रीड करती हूँ। मेरा ये स्पेसिफिकेशन है कि मुझे ऑनलाइन ज़्यादा पसंद है रीडिंग करना, रादर देन बुक के साथ। बट हाँ, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन मीडियम होते हुए भी उन्हें वो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रीडिंग पसंद है, दैट इज़ बुक्स। तो वैसे लोग अगर आप आओगे तो इतनी वैरायटी, ये देखिए एक अंकल थे हमें, ये अपना 10 रुपये में जर्नल बेच रही है। देखिए शोमल ने अभी उन्हें 10 रुपीज़ दिया, क्योंकि उन्होंने जो जर्नल सेल किया वो 10 रुपीज़। उन्होंने कहा भी कि अगर आपको ये जर्नल पसंद आए तो आप, नंबर है उस जर्नल के ऊपर, आप उसमें कॉल करिए और आप इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन गाइज, ये चीज़ भी है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिले, मुझे मिली, जो मुझे बहुत अच्छा से अपील किया और अट्रैक्ट किया। बस ये चीज़ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी मैं आपको ये पूरा सेगमेंट दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे लाइटिंग लगी हुई है, लाइटिंग का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। और क्राउड तो देखिए गाइस कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्राउड जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे लेट इवनिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और क्राउड मुझे लग रहा है कि बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जिनको हम भी टाइम मिल रहा है वो थोड़े देर के लिए सही बट यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपको नोटबुक वगैरह भी देखने को मिलेगा। ये देखिए गाइस नोटबुक था, फिर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जैसे डेकोरेटिव, आप अपने घर पे वॉल पे हैंग कर सकते हैं, वैसी चीज़ें भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक फेयर है तो बुक ही मिल रहा है, अलग अलग चीज़ें भी मिल रही हैं, क्रिएटिव चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो गाइज अगर आप बुक लवर नहीं भी हो, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ट्राई करो इस मेला में आने का, क्योंकि आपसे काफ़ी कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। आपको हमारे कलकत्ता की पहचान, ऑथर्स, ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, काफ़ी नॉलेज शेयर होगा, आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हो आपने जो नॉलेज गेन किया इस बुक फेयर को देखने के बाद। क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है कि कलकत्ता में अगर आप रहते हो और आप यहाँ नहीं आते हो तो आपने बहुत बड़ी चीज़ एक मिस कर दी। तो टाइम निकालिए, ज़रूर आइए, अपने बच्चों को लेके आइए। भले आप खुद बुक पढ़ना पसंद नहीं करते बट शायद आपके बच्चे पसंद करें। अभी मैं आपको वो फूड सेक्शन वाले साइड पे लेके जाती हूँ। देखिए यहाँ पे चार्ज्ड करके भी है, बहुत सारे आउटलेट है, फूड आउटलेट। ये पूरा जो छोटा सा एक स्पेस लिया हुआ है, ये स्पेस पूरा कवर्ड है विथ फूड। आप इधर पे हरिंग घाटा वगैरह, चिकन लवर हो, फिश लवर हो, ये सभी ले सकते हो। सिख कबाब है, ये देखिए पूरा, मैंने आपको एक बार इसको पॉज करके आप अच्छे से देख लो, पूरा मेन्यू यहाँ पे डिस्प्ले में हर चीज़ लिखी हुई है। और ये देखिए फ्रेश कैच, ये भी है, यहाँ पे फिश वगैरह मिलता है। तो आप जब भी आते हो, खाने के लिए आ रहे हो, तो थोड़ा टाइम लेके आइए, बिकॉज 15-20 मिनट तो प्रिपरेशन का एटलीस्ट लगेगा, बिकॉज क्राउड ज़्यादा है। आप किसी टाइम पे आए, लकीली जहाँ पे क्राउड कम है आफ्टरनून में या वीकडेज में, तो शायद आपको क्राउड कम मिल जाए और बिना लाइन लगाए आपको मज़ा ले पाओ अच्छी अच्छी चीज़ों का। तो ये आप थोड़ा देख लेना अपने हिसाब से टाइमिंग। तो गाइज हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया टाइम बिताया बुक फेयर में। एक चीज़ आपको बताती हूँ, हम लोग 2.5-3 घंटा तो एटलीस्ट स्पेंड किए, बट ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ छूटा है, हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं कवर हम कर पाए। फिर ये घूमते घूमते हमें बहुत भूख लग गई, तो क्योंकि वहाँ पे हरिंग घाटा वाले साइड पे बहुत क्राउड था, 30-40 मिनट्स हमें वेट करना पड़ता, तो इसलिए हम आ गए ये भैया के पास। और ये बना रहे हैं हमारे लिए भेल पूड़ी, और ये देखिए पापड़ी चाट, ये जो बना रहे हैं दही पापड़ी चाट है, तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट था गाइस। 50 रुपीज़ में हमें इतना टेस्टी सा दही पापड़ी चाट खाने को मिला। अब देखिए इतना टाइम लेके भैया बना रहे अच्छे से। मैंने इनको बताया था अपना स्पेसिफिकेशन कि थोड़ा नारियल बादाम ज़्यादा दे दे, मुझे अच्छा लगता है इसलिए। और ये देखिए अभी ये लोग मस्त चटपटा एकदम बना रहे हैं ये दही पापड़ी चाट। दही चढ़ चुकी है इसमें, भुजिया डल चुका है, अभी इसमें देखिए धनिया पत्ता ये डालने वाले हैं, और ये देखिए नारियल भी इन्होंने डाल दिया धनिया पत्ता के साथ।
और इतना ज़्यादा यमी टेम्पटिंग, फिर से इन्होंने बादाम डाला। तो गाइज़ ये भैया बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से कोई कंजूसी नहीं की, बहुत अच्छे से इन्होंने सब कुछ बनाया एंड हमें ये बना के इन्होंने प्रिपेयर करके दिया। तो हम लोग यहाँ पे ये खाने के बाद अब वी आर कमिंग आउट ऑफ द मेला। तो गाइज आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बहुत जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।